ना तुमने सारी घास देखो सब सूख गई है। तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते अब गुलखान। इधर आओ पहले, इधर पानी डालो सारा। रोज पानी दिया करो, दिन में 2 दफा। उधर भी, उधर भी। कितना गंदा सब कुछ हो रहा है। हाँ ठीक से। क्या कर रहे हो, इधर डालो यहाँ पे। आओ क्या किया? आइंदा तो मुझे यहाँ पे नजर है, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम्हें बात समझ में नहीं आती? मैंने तुम्हें कहा था ये मुझे आइंदा यहाँ पे नजर नहीं आएगा, फिर ये क्या कर रहा है यहाँ पे? लेकिन नहीं, तुम भी तो मजबूर हो, क्या करो, क्योंकि ये तुम्हारे और तुम्हारे आशिक के दरमियान मैसेंजर जो बना हुआ है। ये क्या कह रहे आप बकार? वो मासूम है, उसे कुछ भी नहीं पता। झूठ मत बोलो, मैंने उसको अली के साथ देखा है, सब जानता हूँ मैं। बता रहा हूँ आइंदा मुझे यहाँ पे नजर आया, मैं इसे जान से मार दूंगा और हर उस शख्स को जान से मार दूंगा जो तुम्हारे और तुम्हारे आशिक के दरमियान ब्रिज बनने की कोशिश करेगा। अली भाई, अली भाई। गुलखान क्या हुआ? आराम से क्या हुआ? बैठो, आराम से बैठ के बात करो। अली भाई वो मार देगा। किसे मार देगा, किसकी बात कर रहे हो? बेगम साहब को मार देगा वो। वो दोबारा मुझे यहां पे नजर आया, मैं तुम्हारा भी कत्ल कर दूंगा। तुम ठीक हो? क्या किया इसने तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। कुछ नहीं किया, तुम जाओ यहां से। अगर एमन को कोई भी नुकसान पहुंचा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अली तो मैं लगा वहां से, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? जाओ। सुन लिया तुमने? यही सुनना चाहते थे ना तुम? सुन लिया? अब दफा हो जाओ यहां से बिफोर आई कॉल द पुलिस। इश्क क्या है पास हो, गेट लॉस्ट, निकल यहां से। दूर रहना जिंदगी है, धूप छांव के दरमियान जीना। हम यही है कहीं, तू जहां मैं वहीं, हर जगह। ये है तुम्हारा मासूम आशिक। तुम कहती थी ना गुलखान मासूम है, देखो वो मासूम कैसे भाग के तुम्हारे आशिक की तरफ गया है, बिल्कुल फारिग तुम और तुम्हारे आशिक की तरफ। Thank you.